आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और भी बहुत सी मल्टी स्टेट सोसाइटीज जिस पर केंद्र सरकार का शिकंजा कसा हुआ है। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो सोसाइटीज बंद की गई हैं या उन पर प्रतिबंध लगे हैं या उन सोसाइटियों को भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी या ईडी द्वारा बैन कर दिया गया है, तो दोस्तों उन निवेशकों का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया और काफ़ी टाइम से ये निवेशक अपने पैसे की मांग को लेकर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इस संदर्भ में सबसे बड़ी कमी जो यहाँ नज़र आ रही है वो केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार के पास डिटेल है और राज्य सरकार के हाथ बंधे हैं, वो चाहकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट हम आपके लिए जो लेकर आए हैं ये इसी महीने की अपडेट है और इसमें भले ही केंद्र सरकार ने मल्टी स्टेट सोसाइटी पर शिकंजा कसने के लिए बैंकिंग ऑफ रेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट लागू तो कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार के हाथ बंधे हैं। केंद्र सरकार ने कानून बनाने के बाद राज्य सरकार के आग्रह पर डिप्टी रजिस्ट्रार को इन सोसाइटीज़ पर कार्रवाई के लिए इस तगासा दायर करने की शक्तियां दी थी, लेकिन राज्य सरकार इन सोसाइटीज़ पर चाहकर भी इस तगासा दायर नहीं कर पा रही है। वजह यह है कि मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ के मालिकों को पूरी डिटेल केंद्र सरकार के पास है, यानी कि जो भी सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में कि मल्टी स्टेट सोसाइटी के मालिकों की पूरी डिटेल केंद्र सरकार के पास है, क्योंकि मल्टी स्टेट सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन केंद्र रजिस्ट्रार दफ्तर से ही होता है। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा कि इसकी पूरी डिटेल केंद्र सरकार के पास इसलिए है क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन भी केंद्र सरकार के रजिस्ट्रार दफ्तर में होता है और अब तक 206 इस तगासे दायर कर चुके हैं। ऐसे में राज्य सरकार किस मालिक के खिलाफ इस तगासा दर्ज कराए, किस मालिक की डिटेल के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दे, इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को खत लिखकर मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ की डिटेल मांगी है। सहकारी मंत्री उदयलाल अंजना का कहना है कि इस संबंध में केंद्र को पत्र लिखा जा चुका है, डिटेल आते ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि राज्य सरकार अब तक 206 इस तगासे दायर कर चुका है। अब दोस्तों राहत का इंतज़ार, कब तक मिलेगा इंसाफ, यही इस वक्त हम सभी निवेशकों के मन में ये बात घर बनाए हुए है कि कब तक इंतज़ार करें और कब हमें इंसाफ मिलेगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि राजस्थान में 16,000 करोड़ की लूट मचाने वाली सोसाइटीज़ पर कितनी कार्रवाई हो पाती है, जिससे आदर्श नवजीवन समेत दूसरी सोसाइटी शामिल है। प्रदेश में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा निवेशकों को चूना लगाया गया था जिन्हें सरकार से राहत का इंतज़ार है। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रदेश के करीब 1.5 लाख से ज़्यादा निवेशक हैं और इनका 16,000 करोड़ रुपया लूटा गया है या सोसाइटीज़ में लगाया गया और उस सोसाइटीज़ पर भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड से भी ईडी आदि जांच करने वाली जो एजेंसियां हैं, जो ये समझिए कि विभाग हैं, इन विभागों के चलते इन लोगों का पैसा अटका हुआ है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी अपडेट हमारे पास जिससे हमें ये पता चलता है कि इन सोसाइटियों पर केंद्र सरकार की लापरवाही चल रही है और इस लापरवाही के चलते एक ही कंपनी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों की संख्या 21 लाख है और जिस राज्य की हमने अभी बात की उसके निवेशक 1.5 लाख निवेशक हैं और 1.5 लाख निवेशकों का यहाँ पर 16 करोड़ रुपया अटका हुआ है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी अपडेट जिससे हमें पता चलता है कि आखिर जांच प्रक्रियाओं के नाम पर जो निवेशकों के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ कर रही है, ये खिलवाड़ आखिर कब तक चलता रहेगा। हम भी समय की तरह इसको देख रहे हैं और देखेंगे और देखते रहेंगे और समय चक्र इनको कब इंसाफ दिलाएगा और कब इंसाफ का सूरज उदय होगा, यही हमारी इस पूरी प्रकरण पर जो सोसाइटियों से रिलेटेड प्रकरण है पूरी पैनी नज़र है। हम एक एक आपकी जो पैसे मिलने में प्रॉब्लमें आ रही हैं या देरी हो रही है वो सब हम आपके सम्मुख इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को ये पुख्ता यकीन हो सके कि आपका पैसा मिलने में वास्तव में केंद्र सरकार ही सबसे बड़ी गुनाहगार है। तो दोस्तों हम ईश्वर से कामना करेंगे कि इनको सद्बुद्धि आए, केंद्र सरकार जल्द से जल्द इन पीड़ित निवेशकों की पीड़ा को सुने
और कोविड-19 के चलते जो इस वक्त निवेशकों के हालात हैं, उन हालातों के मद्देनज़र इन सभी सोसाइटियों का पैसा केंद्र सरकार डिटेल देकर इन निवेशकों तक पहुंचाए, यही सबसे बड़ा परम धर्म होगा। तो दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है कि पीड़ितों को इंसाफ मिल सके और वो इंसाफ के साथ साथ उनको पैसा भी मिल सके जो उनकी खून पसीने की कमाई इन क्रेडिट सोसाइटियों में लगी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ जानकारी। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।